सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के नवाडीह व बतरा गांव में रून्नीसैदपुर विधायक पंकज मिश्रा ने बड़ा सौगा दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य उप केंद्र एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का फीता काटकर शिलान्यास किया, जिसके बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक पंकज मिश्रा ने कहा कि रून्नीसैदपुर विधानसभा में नानपुर प्रखंड के 5 पंचायत में अब एक भी सड़क नहीं बचा है। अभी सड़क का शिलान्यास हो चुका है, इन सभी सड़कों पर बहुत जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। आज मैंने मोहनी पंचायत के नवाडी एवं गौरा पंचायत के बतरा गाँव में स्वास्थ्य उपकेंद्र एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा, स्वीकृत होना अपने आप में उदाहरण है। इसके लिए इन्होंने विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को धन्यवाद दिया। कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों द्वारा यहां स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाने की मांग थी। आज यह मांग पूरा कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के 5 पंचायतों के सभी मुख्य सड़कों को 25 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें 4 सड़क का शिलान्यास किया गया है। शेष 5 सड़क का जल्द शिलान्यास किया जाएगा ताकि सड़क जल्दी बनाई जा सके। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया तथा इसने प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए एक अनमोल धरोहर है। उन्होंने 18 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जदयू जिला महासचिव पुष्पा देवी ने विधायक पंकज मिश्रा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में लगातार बिहार में विकास का काम हो रहा है। मुखिया प्रतिनिधि जर्जीस अहमद लाडले और जदयू नेता नीतीश्वर पटेल ने कहा कि हमारे मोहिनी पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास करके उपकार किया है। उन्होंने कहा कि गरीब तबके के लोगों को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। मौके पर सीओ सुमित कुमार यादव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ए के चौधरी, प्रबंधक अनिल कुमार, एक्सी दिनकर कुमार, श्याम पटेल सरपंच, संजीव कुमार, रवि पटेल, बलिराम कुमार, विनय कुमार पटेल, संजीव कुमार, परमेंद्र पटेल, सोहन राय सहित अन्य मौजूद थे। धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग पंकज मिश्रा जी विधायक जी, अपने विधायक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस काम को बहुत बड़ा काम को अंजाम दिया जो जनहित में है, और इससे आम गरीब लोगों को जो इलाज फ्री होगा इससे बहुत बड़ा उपकार, ये उपकार का काम है, ये जनहित का काम है, इन्होंने जनहित का काम किया है। 5 पंचायत में 26 करोड़ रुपया की योजना से 3-4-5 रोड हमारा बन रहा है, 9 रोड विधायक जी के द्वारा बन रहा है, और प्लस यहाँ इस गांव में हॉस्पिटल बना करके इन्होंने बहुत बड़ा उपकार का काम किया है। यहाँ की जनता के जनहित में बहुत बड़ा उपकार का काम है, क्योंकि आम गरीब लोगों को इससे फायदा लाभ होने वाला है, गरीब के उत्थान का काम है ये हॉस्पिटल। पूरे नवाडीह ग्रामीण बाफी की तरफ से माननीय विधायक जी को बहुत बहुत शुक्रिया है कि एकदम माने देहात के गाँव में उन्होंने हॉस्पिटल का व्यवस्था की है। इसके लिए सभी ग्रामीण की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। विधायक जी के चरण कमलों से के जो हम लोग के प्रयास से ये सौगात मिला है, इससे हम लोगों को स्वास्थ्य में आने वाला भविष्य में बच्चे को भी सौगात अच्छा मिलेगा, और इसके लिए हम विधायक जी को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आगे भी इनका आभार व्यक्त करते हैं। के आज आपके पंचायत को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, पूर्व मुखिया हैं आप और कई साल तक आपने पंचायत की सेवा की है, एक बड़ी सौगात आपको मिली, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं विधायक जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे बतरा ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, इससे ग्रामीणों को बहुत सुविधा होगी, और नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ, और केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हमको यह खुशी हो रहा है कि नानपुर ब्लॉक में 5 पंचायत मेरा विधानसभा का पड़ता है, उस 5 पंचायत में मैं 2 जगह जो है सो आज मैं शिलान्यास करने का काम किया हूँ, और एक रून्नीसैदपुर में गोविंद पितौझिया है, वहाँ भी अभी जा रहे हैं, यहाँ के बाद वहीं शिलान्यास करना है। इसलिए मैं यहाँ के जो लोगों का डिमांड था उस डिमांड पर मैं खड़ा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ के नेता नहीं हैं, मैं यहाँ का बेटा हूँ, और एक बेटा होने के नाते मैं यहाँ काम करते रहूँगा, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा मैं यह काम करते रहूँगा। सर कहाँ कहाँ का हुआ है वो थोड़ा सा डिटेल? स्वास्थ्य केंद्र जो हुआ है उसमें अभी बतरा में हुआ, नवाडीह में हुआ और गोविंद पितौझिया में हुआ,
तीन जगह हुआ है और रायपुर में एक बड़ा सा बनने जा रहा है, उसका भी जल्द से जल्द शिलान्यास हम करने जा रहे हैं, जिसमें नर्सिंग स्कूल भी रहेगा।